हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28th ऑफ सितंबर के करेंट अफेयर्स। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखने का है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, अगर आपको आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की PDF लेनी है तो आप parchamclasses.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से भी आप करेंट अफेयर्स का PDF ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इतनी चीज़ें। इसके अलावा जैसे कि हम लेकर आते हैं सवाल, और सवाल में क्या होता है, आपको 300 प्लस क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं 3 मंथ्स के, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे उसको लाया जाता है। पहले जनवरी से मार्च का लाया गया था, फिर मार्च से लेकर जून तक का लाया गया था, अब जुलाई, सेप्टेम्बर एंड आपका अगस्त, इन 3 महीने का जो है सवाल आपको 10th को मिल जाएगा, है ना। 10 अक्टूबर को सवाल लॉन्च हो जाएगा, 10 अक्टूबर को आप सवाल ले सकते हैं, जिसमें आपको 3 महीने का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का MCQ है एक्सप्लेनेशन के साथ, वो आपको मिल जाएगा, जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का CA। सबसे पहले बात करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डे से। सो 28th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है रेबीज डे। रेबीज क्यों होता है? तो ये जो रेबीज है, ये बेसिकली डॉग इसका कैरियर होता है, कुत्तों के काटने से बेसिकली रेबीज होता है, ऐसा बोला जाता है। सो 28 सितंबर को हर साल हम वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये इसका 17th एडिशन है, 17वें नंबर का संस्करण है। अब यहाँ पे थीम क्या है? ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, यहाँ पर 28 सितंबर को जो हम वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसकी थीम है। थोड़ी सी जानकारी और देना चाहती हूँ कि हम क्यों यहाँ पर रेबीज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन द मेमोरी ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर जिनकी डेथ हुई थी 28 सितंबर को 1895 में, और उन्होंने ही रेबीज को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन को क्रिएट किया था, तो उनकी ही मेमोरी में हम रेबीज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट कर ले अपने CA को। तो फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में, और इनका नाम है अमित खरे। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है अमित खरे, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाहकार या एडवाइज़र हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपॉइंटेड अमित खरे एज द एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा इनके टेन्योर को फर्दर 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इनका नाम क्या है? अमित खरे। इनको एक्सटेंशन मिला है एज अ एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो अगर पूछ लिया जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वर्तमान में सलाहकार या एडवाइज़र कौन है, तो आंसर हो जाएगा अमित खरे। इनका जो टेन्योर है वो 12th ऑफ अक्टूबर को ख़त्म हो रहा था, लेकिन इसको फर्दर 1 ईयर के लिए आप देखेंगे एक्सटेंड कर दिया गया है। और इनको इनिशियली अपॉइंट किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2021-2021 में। अब खास बात पता है क्या है अमित खरे जी के बारे में? जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, तो नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने और उसको शेप देने के लिए बेसिकली इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एज अ सेक्रेटरी, एज अ सचिव भी इन्होंने काम किया है। इसलिए हमारी जो इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको भी शेप देने का काम अमित खरे के द्वारा किया गया है। यही नहीं, अगर आप बात करेंगे फोडर स्कैम के बारे में, तो ये जो स्कैम या घोटाला हुआ था, चारा घोटाला 1996 में, जिसने बिहार की राजनीति को पलट के रख दिया, तो उसके भी पीछे को, उसको भी एक्सपोज करने के पीछे हाथ किसका था? अमित खरे का ही था। एक एडिशनल यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे राजेश एस गोखले, इनको भी एक्सटेंशन मिला है, इनको भी एक्सटेंशन मिला है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल का इनको एक्सटेंशन मिला है एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी कौन है? राजेश एस गोखले हैं, और इनको भी 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने राइनो डे सेलिब्रेट किया, याद आया। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और उस रिपोर्ट के जो कुछ की हाइलाइट्स है वो मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे लिए बस उतना ही रिपोर्ट में जानना ज़रूरी है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023, जिसको रिसेंटली रिलीज किया गया है, पब्लिश किया गया है बाय द इंटरनेशनल राइनो
फाउंडेशन IRF इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट को पब्लिश किया है और इसमें बताया गया है जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है मतलब जो एक सींग वाले गेड़े हैं तो उनका ना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है और ये जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं वो इंडिया और नेपाल में आपको देखने को मिलेंगे और इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। रिसेंटली हमने 22nd ऑफ सेप्टेम्बर को वर्ल्ड राइनो डे भी सेलिब्रेट किया था। जो बची हुई 5 राइनो की स्पीसीज हैं इनके बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि इनका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए हम यहाँ पर हर साल 22nd सेप्टेम्बर को हम वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं। और पहली बार इसे अनाउंस किया गया था बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका इन 2010। अगर हम बात करें इन 5 स्पीसीज की राइनो की तो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट में आपको 5 स्पीसीज राइनो की देखने को मिलती है, लेकिन लगातार इनके जो हैबिटेट है हैबिटेट में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इनका इल्लीगल तरीके से इनका शिकार किया जा रहा है और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण अफ्रीका रीजन में आप देखेंगे कि राइनो की पॉपुलेशन डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर ये बात भी मेंशन की गई है कि इंडिया, भूटान और नेपाल इन तीनों के गवर्नमेंट के द्वारा स्टिक मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन एक्ट पास किए गए हैं जिससे यहाँ पे 20% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इस पर्टिकुलर एरिया, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के जो राइनो है ना उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, स्पेशली जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो है। अगर हम बात करें भारत में तो भारत में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन मिलेगी वो आपको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की ही मिलेगी, आसाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर भारत में देखें तो इंडिया में एस्टिमेटेड जो राइनो की पॉपुलेशन है वो 3,262 है, 3,262। ठीक है, 3,262 इतने राइनो भारत में है। जैसे कि टाइगर की सेंसेस हम याद रखते हैं, टाइगर की पॉपुलेशन हम याद रखते हैं, वैसे ही आपको राइनो की पॉपुलेशन भी याद रखनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं राइनो की वो 5 स्पीसीज हैं जिनमें आप देखेंगे ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो, ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। ब्लैक राइनो और वाइट राइनो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। तो जावा राइनो की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं लगभग 76 की पॉपुलेशन है, इसलिए इन्हें IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा है। वहीं सुमात्रन राइनो की भी पॉपुलेशन 34 से लेकर 47 के बीच में लगातार डिक्रीज हो रही है और इसे भी क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेटर वन हॉर्न राइनो के बारे में जिसकी पॉपुलेशन आपको इंडिया और नेपाल में देखने को मिलेगी तो इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इंडिया, भूटान और नेपाल के प्रयासों के बाद, यहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट के बाद। तो यहां पर आप देखेंगे 4014 ये आपको ग्रेटर वन हॉर्न राइनो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपको लिस्ट याद रखनी, और भारत में कितना पॉपुलेशन है 3,262 पॉपुलेशन राइनो की इंडिया में देखने को मिल जाएगी। सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 2019 UPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है। देखते बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, पहले लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि एशियाटिक लाइन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो बिल्कुल सही बात है, जो एशियाटिक लाइन है वो केवल और केवल एशिया मतलब इंडिया में पाए जाते हैं और वो भी कहाँ पर, आपको गिर नेशनल पार्क में ये देखने को मिल जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है यहाँ पे, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, डबल हेम्प्ड कैमल इन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इंडिया के अलावा अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में भी मिल जाएंगे, अफगानिस्तान के साथ चाइना, उज्बेकिस्तान, इन सारी कंट्रीज में भी आपको डबल हेम्प्ड कैमल देखने को मिल जाएंगे। तो सेकेंड स्टेटमेंट को हम गलत कर देते हैं। थर्ड है, वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नहीं, अभी तो हमने बताया कि नेपाल में भी हैं ये लोग, इंडिया के अलावा नेपाल में भी है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। लिखा है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल वन करेक्ट है। तो देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत डीपली उसको जाके पूछा गया था। यहाँ पे केवल और केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो UPSC 2019 के प्रिलिम का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो जो रिपोर्ट आती हैं या जो भी चीज़ें आती हैं, तो अगर आप लोग स्टेट PSC एग्ज़ाम, UPSC एग्ज़ाम या फिर आप CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप कोई भी रिपोर्ट पढ़े तो आपको किस तरीके से पढ़ना है ये उसका एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एलिफेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ और बातें आई हैं, एलिफेंट फेस्टिवल की शुरुआत हुई है MP में।
सो एलिफेंट में भी अगर आप देखोगे तो आपको दो वैरायटी मिलती है एलिफेंट की, एक है आपके एशियन एलिफेंट और एक है अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट में भी एक सबाना एलिफेंट होते हैं और एक फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और एशियन एलिफेंट्स में भी आपको कई वैरायटी देखने को मिलेंगी और ये भी आपको एशियन एलिफेंट भी आपको इंडेंजर कैटेगरी में मिलेंगे IUCN की लिस्ट में, ठीक है। अब हम एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे हम 12 अगस्त को, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर एलिफेंट जो फेस्टिवल है वो बेसिकली कंक्लूड हुआ है, बिगिन नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ हुआ है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुआ है, मध्य प्रदेश में। ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, ये आपको सतपुड़ा हिल रेंज में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ पर आपका एलिफेंट महोत्सव मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया 7 डेज तक। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक ये फेस्टिवल चला है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इस फेस्टिवल एलिफेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, इसका मकसद ये था कि यहाँ पे जो ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम किया जा सके, लोगों को अवेयरनेस दिलाई जा सके कि वाइल्ड एनिमल के साथ आपको कैसे रहना है, कैसे उनके साथ बिहेव करना है, और उनके हैबिटेट में, मतलब विलेजर्स को यहाँ पे सिखाया गया कि आपको उनके हैबिटेट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब देखो, हमने राइनो के बारे में बात कर ली, हमने एलिफेंट्स के बारे में बात कर ली, अब हम हॉर्सेस के बारे में भी बात करेंगे। हॉर्सेस की डायरेक्टली बात नहीं होगी, यहाँ पे हॉर्स रेसिंग की बात होगी, हम घोड़े की रेस के बारे में बात करेंगे। और 41 ईयर्स के बाद, 41 सालों के बाद भारत को फाइनली एशियन गेम्स में हॉर्स रेसिंग में गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, ये 4 लोगों की एक टीम है, आप देख सकते हैं इन्हीं 4 लोगों ने हमें गोल्ड मेडल लाके दिया है। सो इंडियन एक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस टीम विन गोल्ड आफ्टर 41 ईयर्स एट एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम 2023 में भारतीय घुड़सवारी की जो टीम है 41 सालों के बाद इसे गोल्ड मेडल लाके हमको दिया है। ये बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है हमारी इंडिया के लिए। अगर आप देखेंगे, लास्ट मेडल हमको जो हॉर्स राइडिंग में दिया गया था गोल्ड मेडल, वो कब मिला था, 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे ना, तब मिला था, ठीक है। अब हमारी टीम के पार्ट कौन थे, तो 4 लोग हमारी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लाके दिया है और चाइना को डिफीट किया है। किसको डिफीट किया है, चाइना को हराया है, चाइना सेकंड नंबर पे और हांगकांग जो है वो 3rd नंबर पे आपको देखने को मिलेगा पोडियम पे। अब यहाँ पे हमारी जो टीम थी उनमें थे अंशु अग्रवाल, हृदय बिपुल, सुदीपति हजेल एंड दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है। इन 4ों की टीम ने हमें गोल्ड मेडल लाके यहाँ पर दिया है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस मैप को थोड़ा सा देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार। तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स के साथ आपको म्यांमार की बॉर्डर देखने को मिल जाएगी। और ये लगभग 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है। कितनी, 1643 किलोमीटर की बाउंड्री हमारी म्यांमार के साथ है। ये पूरी बॉर्डर जो है वो म्यांमार के साथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कहानी कहाँ से शुरू होती, आज से शुरू नहीं होती, कहानी थोड़ी पुरानी है, 2018 में है। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री मूवमेंट रिजीम, मतलब FMV की शुरुआत की थी, ठीक है। फ्री मूवमेंट रिजीम की शुरुआत की थी। इस रिजीम में क्या कहा गया था, इस रिजीम में एक्चुअली है क्या, ये पूरा आपका जो है वो माउंटेन एरिया है, हिली एरिया है, कई सारी ट्राइब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया था कि ये जो आपका फ्री मूवमेंट रिजीम बेसिकली ये कहता है कि इंडियन जो है वो 16 किलोमीटर तक म्यांमार की बॉर्डर में जा सकते हैं, और यहाँ पे जो म्यांमार के लोग हैं वो भी 16 किलोमीटर तक इंडिया की बॉर्डर में आ सकते हैं। ये जो ट्राइबल ग्रुप है, मतलब आसानी से यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं, ये बात बेसिकली कही गई थी। लेकिन मुद्दा क्या हो गया, अब यहाँ पे मुद्दा देखेंगे आप, कि मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली कहा है कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, यूनियन होम मिनिस्टर को, कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम है इसको कैंसिल कर दो अलॉन्ग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर और एक कंप्लीट फेंसिंग कर दो। मतलब ओपन बाउंड्री आपने करके रखी है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 16 किलोमीटर का दायरा हुआ तो क्या हुआ, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये आप क्या कर दो, बंद कर दो और यहां पे एक प्रॉपर फेंसिंग कर दो। ये बात बोली है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है। अंडर द फ्री मूवमेंट रिजीम, ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम आप देखेंगे,
ऑल द हिल ट्राइब वेदर दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया और म्यांमार कैन ट्रेवल विद इन 16 किलोमीटर ऑन ईदर साइड ऑफ द इंडो म्यांमार बॉर्डर. तो दोनों तरफ यहाँ पे 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं. बस करना क्या होता है, एक पास की ज़रूरत होती है, एक पास बनवा लिया और ये जो पास होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है. एक साल इसकी वैधता होती है और आसानी से जा सकते हैं, आ सकते हैं और 2 वीक्स तक स्टे भी कर सकते हैं. एक बार की विजिट में एक बार जाने पे 2 हफ्तों तक रहा भी जा सकता है. कोई म्यांमार का ट्राइबल व्यक्ति है, वो इंडिया में आया, 16 किलोमीटर के दायरे में आया, उसके पास पास है, वैलिड पास है और वो 2 हफ्ते तक इंडिया में रुक के भी जा सकता है. सिमिलर फॉर म्यांमार. ठीक है, तो ये है आपका फ्री मूवमेंट रिजीम. ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि मिताई जो कम्युनिटी है, क्योंकि आपने अभी लंबे समय से वायलेशन देखा हुआ है, मिताई कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी, ये आपने सुना होगा और काफ़ी न्यूज़ में था. तो यहाँ पे मिताई कम्युनिटी, मेजोरिटी ऑफ मिताई कम्युनिटी का ये कहना है कि बहुत सारे जो माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट है, इस तरीके से ओपन है अभी बॉर्डर, आसानी से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं. तो उसके कारण बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट आए हैं और कई तरीके से इन्होंने नार्को टेरर नेटवर्क को भी फैलाया हुआ है और हमारे जो स्टेट है उसमें दंगे करवाए हैं, ऐसा मिताई कम्युनिटी का एलिगेशन है. वही चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह, क्योंकि यहाँ पे कुकी कम्युनिटी जो है वो ब्लेम कर रही है मिताई कम्युनिटी और चीफ मिनिस्टर वीरेन सिंह पे कि हमें ये पूरे एथिकली रूप से, एथिकल हमारा जो ग्रुप है उसको क्लीन करने की कोशिश ये कर रहा है, इसलिए गलत तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं. तो ये सारा मामला चल रहा है जिसके चलते यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा है कि यहाँ पे फेंसिंग लगा दो, ये जो आपका फ्री मूवमेंट रिजीम है इसको आप बंद ही कर दो. इसको 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था एज अ पार्ट ऑफ ईस्ट पॉलिसी. ठीक है, और जिसमें बोथ द गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के लोगों ने यहाँ पे एग्रीमेंट भी दिखाया था. क्लियर, जिसके कारण आसानी से, मतलब ये एक दूसरे से जो ट्रांस बॉर्डर कम्युनिटी हैं, लोग हैं, वो अपने कल्चर को शेयर कर सकते हैं, वेडिंग कर सकते हैं, एक साथ कोई फेस्टिवल है वो कर सकते हैं. ठीक है ना, तो इस तरीके से, क्योंकि रीज़न ये है कि 1826 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उस समय जब ब्रिटिशर्स भारत में रहा करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बॉर्डर बना दी थी बिटवीन द इंडिया एंड म्यांमार विदाउट द कंसेंट, क्योंकि वहाँ पे पहले से कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी रह रही थी, कई सारे विलेजेस थे, तो आधे विलेज इंडिया में रह गए, आधे विलेज जो है वो कहाँ चले गए, म्यांमार में चले गए. तो कंसेंट लिया ही नहीं और एक बॉर्डर बना दी ब्रिटिशर्स ने 1826 में. तो जिसके कारण लंबे समय से वहाँ के जो एथिक ग्रुप्स थे वो ये बोल रहे थे कि यार हम लोगों के ट्रेडिशन, हम कल्चर, हमारी आधी फैमिली यहाँ रह गई, वहाँ रह गई. तो इस तरीके से इस मूवमेंट की शुरुआत बेसिकली की गई थी. ठीक है, अगर इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है. 4 स्टेट के साथ बाउंड्री हम शेयर करते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे असम राइफल आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द गोवर्धन पोर्टल. इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है, लेकिन अभी यहाँ पे एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसलिए वापस से न्यूज़ में है, तो हम शॉर्ट में इसको भी सीख लेते हैं. तो आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन्होंने एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन जो है वो शुरू किया है. और जो भी आप के जो फार्मर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं जो कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस प्लांट को लगाए हुए हैं वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि इस यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अभी तक 1163 बायोगैस प्लांट एंड 426 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली किया गया है. जिन प्लांट का रजिस्ट्रेशन किया गया है तो उनको ना मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट दिया जाएगा और इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. अभी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट क्या है, मतलब ये जो प्लांट है बायोगैस प्लांट और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, अगर ये अपना क्या बनाते हैं, बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको पर मेट्रिक टन बायोगैस के प्रोडक्शन के बाद 1500 रुपीज़ का फाइनेंशियल असिस्मेंट दिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ 1500 रुपीज़ पर मेट्रिक टन विल बी ग्रांटेड फॉर द सेल ऑफ फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर. तो ये जो बायोगैस के जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो आप, इसको मार्केट में बेचो. मार्केट में बेचने पर आपको पर मेट्रिक टन 1500 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे. इस रजिस्ट्रेशन का ये फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है.
अभी गोवर्धन पोर्टल क्या है और गोवर्धन स्कीम क्या है? तो गोवर्धन स्कीम को गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च किया था। कब किया था? 2018 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया था? जब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू प्रोग्राम था, तो उसी प्रोग्राम में गोवर्धन स्कीम 2018 को लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था कि जो वेस्ट से वेल्थ को कैसे जनरेट कर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल से एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है या एनिमल्स वेस्ट होता है, उस तरीके से हमें बायोगैस, सीबीजी और बायो फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करना है और इसके बदले आपको पैसा मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे अगर देखेंगे तो नोडल एजेंसी कौन सी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल एजेंसी है, जो कि गोवर्धन स्कीम को रन करने का काम कर रही है। गोवर्धन का फुल फॉर्म क्या है? तो आप देखेंगे गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम I2U2 के बारे में। हम सभी को पता है कि I2U2 चार कंट्रीज का एक ग्रुप है, फोर कंट्रीज का एक ग्रुप है। कौन कौन सी हैं वो चार कंट्रीज? तो I2 का मतलब है इंडिया एंड इज़राइल, U2 का मतलब है यहाँ पे USA एंड UAE, और यहाँ पे इंडिया एंड इज़राइल, ठीक है। तो I2U2 चार कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, जिसको अक्टूबर 2021 में फॉर्म किया गया था। बेसिकली ये चारों इसलिए बनाई गई थी कि अलग अलग सेक्टर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, गैस पाइपलाइन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारे चीज़ों में डील कर सके। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन था, बाद में इसको I2U2 कर दिया गया। और इनकी जो पहली समिट हुई थी वो कब हुई थी? जुलाई 2022 में हुई थी। तो अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो है वो 78 नंबर का आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन के बारे में बताया था, यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो रहा है, तो वहां पे चारों कंट्री भी मुलाकात की थी और इन लोगों ने मिलके जॉइंट स्पेस वेंचर अनाउंस किया है। तो I2U2 ने अनाउंस किया है जॉइंट स्पेस वेंचर, कहाँ पर? आपका जो 78 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी वहाँ पर इज़राइल, इंडिया, यूएई और यूएसए ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। ये लोग जॉइंट वेंचर के अंतर्गत एक यूनिक स्पेस बेस्ड टूल तैयार करेंगे, जो पॉलिसी मेकर के लिए, डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लिए, रिसर्च करने के लिए, क्लाइमेट के सेक्टर में, इसके अलावा जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके लिए मदद करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने कोई मिशन लॉन्च किया, तो हमें जो भी यहाँ पे रिसर्च मिली है या हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है तो हम इनके साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे इज़राइल ने कोई मिशन लॉन्च किया, वो अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करेगा, जिससे हमें पॉलिसी बनाने में और क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सेक्टर में भी काम करने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से एक यूनिक स्पेस बेस्ड टूल ये चारों कंट्रीज मिलकर तैयार करेंगी। डन। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ, एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया है। क्या है पूरा मामला? सो इंडिया यूएन लॉन्च जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल साउथ। अब देखो, मैंने आपको पहले भी डायग्राम में ग्लोबल साउथ बताया था, ये होता है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ में जनरली आपको डेवलप्ड कंट्री मिलती हैं, जो पूरे विकसित देश हैं वो मिलते हैं, रिच कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। और जो ग्लोबल साउथ है, बेसिकली ग्लोबल साउथ में आपको एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आपको कंट्रीज देखने को जनरली मिलती हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, लीस्ट डेवलप्ड हैं, या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं, या फिर पुअर कंट्रीज हैं, वो आपको साउथ, ग्लोबल साउथ में देखने को मिलती हैं। क्लियर है? तो ये है ग्लोबल नॉर्थ, ये है ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पर आपको पता है जब G20 समिट हुआ था तब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफ़ी एम्फसाइज किया था ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के लिए, कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए, जिससे कम से कम जो पुअर कंट्रीज हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। और इसलिए तो G21 के रूप में हमने यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को शामिल भी किया था। तो उसी लिए यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया और यूएन ने जॉइंटली लॉन्च किया है कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर द ग्लोबल साउथ, ठीक है। इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, जिसका मकसद है ग्लोबल साउथ में फॉस्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो डेलीगेट्स, उनके लिए मतलब जो वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कराना, बेस्ट प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करना, जिससे उनका भी डेवलपमेंट हो सके। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको 75 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे 61 कंट्रीज़ में,
ठीक है, इन द लास्ट 6 ईयर, ठीक है, ये इसका मकसद है बेसिकली। अब यहाँ पे जो इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इंडिया किस तरीके से ट्रेनिंग रन करेगा, क्या इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, क्या पॉलिसी होती हैं, तो इसके लिए मतलब ग्लोबल साउथ की कंट्रीज तक भारत की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, ये पहुँचाने के लिए आप देखेंगे यूएन इंडिया की टीम ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी पार्टनरशिप की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे एक सर्कुलर आरएनए के बारे में। जनरली जब भी हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमको वहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, वन इज़ आरएनए एंड सेकंड वन इज़ डीएनए, ठीक है। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या करता है, तो आरएनए जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और कुछ अमाउंट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी कैरी कर लेता है। तो आरएनए का बेसिक जो काम होता है वो आपका क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, ठीक है। आरएनए जनरली एक जो है वो एक लिविंग सेल है जो कि कैरेट करता है आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जनरली जो आपका आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो एक स्ट्रेट चेन की तरह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, हमको एक नया जो आरएनए मिला है वो है आपका सर्कुलर आरएनए। क्या मिला है हमें, सर्कुलर आरएनए जिसका स्ट्रक्चर एक क्लोज लूप की तरह है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, एक क्लोज लूप की तरह है, और इस सर्कुलर आरएनए का नाम रखा है सिट्रिन, सिट्रेन, ओके। तो बेसिकली रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, ठीक है, IISER भोपाल के रिसर्चर्स के द्वारा अभी रिसेंटली सर्कुलर आरएनए को डिस्कवर किया गया, इसकी खोज की गई, और इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्होंने बताया HIV-1 वायरस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में जाके, क्योंकि आपको पता है कि वायरस जो होता है वो ना लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, मतलब जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की यूनिट होती है ना वो वायरस होता है, ठीक है। क्योंकि वायरस ना किसी एक लिविंग बॉडी को अपना होस्ट बनाता है और उस होस्ट बनाने के बाद अपने आप को रिप्लिकेट करना शुरू करता है। तो यहाँ पे बताया कि ये HIV-1 वायरस जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जाके इसी सर्कुलर आरएनए के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद अपना प्रोडक्शन चालू कर देता है। ये डिस्कवरी इन्होंने करके दी। द स्टडी फाउंड दैट सिट्रिन प्ले अ रोल इन द मॉड्यूलेटिंग HIV-1 ट्रांसक्रिप्शन विच इज द प्रोसेस बाय यूजिंग बाय विच द वायरस रिप्लिकेट इटसेल्फ विथ इन होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर जब वायरस अपने आप को रिप्लिकेशन कर रहा है तो ये मॉड्यूलेटिंग आरएनए की तरह सिट्रिन काम कर रहा है फॉर द HIV-1 वायरस के लिए, ठीक है। इतनी चीजें, इट्स रोल इन द HIV-1 रिप्लिकेशन हैज रिमेन अनक्लियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन फाइनली इस बात का पता लगाया गया। नेक्स्ट बात करते, एक क्वेश्चन है जो कई बार SSC और डिफरेंट वन डे एग्जाम में पूछा गया है कि वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET। ये क्वेश्चन देखा होगा आई थिंक आप लोगों ने। तो PET क्या होता है, तो PET होता है पॉलीएथिलीन टेट्राफेथलेट, जो जनरली हमारी प्लास्टिक की बॉटल होती है, प्लास्टिक के बर्तन यूटेंसिल वगैरह हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो किससे बने होते हैं, वो जनरली PET से बने होते हैं। तो अभी एक समुद्र में, डीप सी में हमको एक एंजाइम मिला है, जो कि डिग्रेड कर सकता है PET को, क्योंकि हम जनरली बात करते हैं ना कि प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसलिए प्लास्टिक के यूज़ को कम करना चाहिए, इट्स ट्रू। बट यहाँ पे डीप सी में हमको एक ऐसा एंजाइम मिला है जो कि PET को, मतलब पॉलीएथिलीन टेट्राफेथलेट को डिग्रेड कर सकता है, और उस एंजाइम का नाम है PET46, उस एंजाइम का नाम रखा गया है। रिसर्चर्स की टीम ने इस बात का पता लगाया है। अभी जो PET है वो एक मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक है जो कि पॉलिएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है PET? पॉलिएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन टेक्निक के जरिए PET को बनाया जाता है और इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरेफेथलेट एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इनको गर्म किया जाता है, कंपोज किया जाता है और फिर इसको मोल्ड किया जाता है, ओके। अंत में बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सो फर्स्ट न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर से। आप सभी ने सुना होगा टाटा मेमोरियल कैंसर केयर हॉस्पिटल, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, जो कि मुंबई में है, और उसी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे उसी बॉडी के द्वारा टाटा मेमोरियल कैंसर केयर सेंटर इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जम्मू एंड कश्मीर का पहला इस तरीके का कैंसर सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के बारे में, क्योंकि एक सभापति होता है राज्यसभा में जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और एक उपसभापति होता है, मतलब आपके डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है उनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह,
हरिवंश नारायण सिंह। अभी जो 9th नंबर की ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की मीटिंग जोहान्सबर्ग में होनी है 27 से लेकर 29th ऑफ सितंबर के बीच में, तो उस मीटिंग में इंडियन डेलीगेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे कौन? डेप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। इसका मेन फोकस यही होगा पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी टू इन्हांस ब्रिक्स एंड अफ्रीकन पार्टनरशिप। ठीक है, पहली जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम की जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 2015 में हुई थी, और चेयरमैन कौन था? रशिया था उस समय। डन। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन, इन्होंने कहा है IBFA ब्लाइंड फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंटल कप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कहाँ पे? कोची में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? कोची में। और ये जो आपका इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन है, ये टूर्नामेंट जो है वो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलने वाला है कोची में। और इसमें जो टीम पार्टिसिपेट करेंगी वो कोस्टा रिका, चिली, पोलैंड, रोमानिया, ग्रीस, इजिप्ट, और ये सारी टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। इंडिया भी होगा, ऑब्वियस ही बात है, इंडिया होस्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने RBI के जो डिप्टी गवर्नर हैं M. राजेश्वर राव, इनके टेन्योर को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आप सभी को पता होगा कि RBI जो है, RBI में एक चेयरमैन होता है, या फिर कह सकते हैं आप एक गवर्नर होता है, और उसकी हेल्प करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इन 4 डिप्टी गवर्नर में से एक है M. राजेश्वर राव, इनके टेन्योर को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 9th ऑफ अक्टूबर को इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला था। अगर हम देखें, प्रेजेंटली 4 डिप्टी गवर्नर RBI में काम कर रहे हैं, BP कानूगो, डॉक्टर MD पात्रा, M. राजेश्वर राव एंड MK जैन। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। आइए हम देख लेते हैं कुछ MCQ, ये हमारे कुछ करेंट अफेयर्स से, बाकी सारी बातों को कल हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 108 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य कहाँ पर अनवील की गई है? सो आंसर हो जाएगा MP, ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट हाउ मच परसेंटेज ऑफ विलेजेस अक्रॉस द कंट्री हैव अचीव ODF प्लस स्टेटस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, 75% हमने ODF के टारगेट को अचीव कर लिया है, ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड द इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट है बेसिकली, अक्टूबर 8 में कहाँ पर लॉन्च होगा? तो आंसर हो जाएगा न्यू जर्सी में, ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में, किस कंट्री को डिफीट किया है? सो आंसर हो जाएगा, हमने श्रीलंका को डिफीट किया है, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, ICICI लोम्बार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO किसे अपॉइंट किया है? हमने कल देखा था, शॉर्ट न्यूज में देखा था इसको, संजीव मंत्री, ऑप्शन B। नेक्स्ट है, विच क्रिकेट टीम हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम इन द ODI क्रिकेट हिस्ट्री टू हिट 3006? तो 3006 बनाने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? सो इंडिया बन गई है, ऑप्शन B। अंत्योदय दिवस रिसेंटली हमने 25th को सेलिब्रेट किया था, 25th ऑफ सितंबर को, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? तो आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, ऑप्शन D करेक्ट है। नेक्स्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिसेंटली ट्रू नेट टेस्ट को अप्रूव किया है। बेसिकली ये टेस्ट किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? तो नीफा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन B। नेक्स्ट है, विच वॉट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडिया? तो इंडिया का पूरी तरीके से भारत में निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो विक्रांत है, सभी को पता है, INS विक्रांत, ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ पार्टनर विद विच कंट्री टू डिप्लॉय 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेज अक्रॉस इंडियन सिटी? तो इंडियन गवर्नमेंट ने किस गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है और 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बसेज को भारत में लाया जाएगा? सो आंसर हो जाएगा USA, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, एशियन गेम्स में हमारे एक ट्रायो को एशियन गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल मिला है 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, मेंस टीम 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो यहाँ पर वो प्लेयर्स हैं, तो ट्रायो था मतलब 3 लोग हैं, तो आप यहाँ पे हमें सही आंसर बताएंगे, सही आंसर आप मुझे बताएंगे कि इस टीम इवेंट में कितने, मतलब कौन कौन लोग थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके,
सो बाकी सारी बातें करते हैं कल के वीडियो में. टेक केयर एंड बाय बाय.